गुजरात इस वक्त पाटीदारों के आंदोलन से तप रहा है। रविवार को जेल भरो आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद आज गुजरात में बंद बुलाया गया। बंद के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई तो कई इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में हार्दिक पटेल के खिलाफ 5 FIR दर्ज की है। हरियाणा की तरह गुजरात भी पाटीदार आरक्षण आंदोलन की आग में जल रहा है। रविवार को जेल भरो आंदोलन के ऐलान के साथ ही गुजरात के मेहसाणा सूरत समेत कई जिले आंदोलन की ज्वाला से दहक उठे। शहर में पुलिस और आंदोलनकर्मी आमने सामने आ गए। पाटीदार लोगों पर पुलिस के डंडे खूब चले। जगह जगह हिंसक झड़पें हुई, आगजनी की गई। सड़क पर कहीं टायर तो कहीं गाड़ियां फूकी गई। रविवार को भड़की हिंसा के बाद हालात इतने बेकाबू हो गए कि मेहसाणा में तो पहले कर्फ्यू और बाद में धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद हिंसा से नाराज पाटीदारों ने सोमवार को गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। बंद के चलते जहां कई जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण रही, तो वहीं सूरत के पूना गांव में पाटीदार आंदोलन से जुड़े भविन पटेल ने खुदकुशी कर ली। अपने नेता हार्दिक पटेल की रिहाई और पाटीदार समाज में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, प्रदर्शन जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के बाद पाटीदारों का आंदोलन शांत था, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा में जाटों के उपद्रव के बाद बीजेपी सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया, तो क्या पाटीदार भी जाटों की तर्ज पर अपनी मांगे पूरी कराने के लिए उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार के कदम की वजह से ही गुजरात में भी हिंसा की आग भड़की है? हिंसा के बल पर आरक्षण पाने का हरियाणा से शुरू हुआ ये तरीका देश के किन किन कोनों तक फैलेगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार। We'll be right back.